आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर बस्ती से सामने आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव बस्ती दौरे पर थे, जहां पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि कायस्थ समाज को पहली बार किसी पार्टी ने इतना सम्मान दिया। कायस्थ समाज को सपा ने प्रदेश उपाध्यक्ष जैसा बड़ा पद दिया है, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनते ही सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, इसके पास कोई और मुद्दा नहीं है। अभी भाजपा सरकार में स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके घूम रही थी कि महंगा है। उस समय 350 था, 450 था, गैस सिलेंडर महंगा था। अब इस समय 1000 है तो सस्ता हो गया। तो इन लोगों की कथनी और करनी में फ़र्क है। केवल ये लोग मंदिर और हिंदू और मुस्लिम के नाम पे जितना भी कार्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यकाल में हुआ था, उसी को नाम बदल बदल के सारी सेवाओं पे उसी पे काम कर रहे हैं। एक भी काम समाजवादी सरकार मतलब भाजपा सरकार ने नहीं किया। अब जब चुनाव सर पे आ गए तो गोरखपुर में भी जाके 2 ईंटा रख दिए, यहाँ भी रख दिए वहाँ। अगर आप पब्लिक हितैषी इतने ही थे तो 5 साल सरकार थी, डबल इंजन की साहब सरकार थी, आप सबको दे देते। कोरोना काल में मीडिया भाइयों आपसे कुछ नहीं छिपा है, कितनी लाशें हैं, कितनी समस्या है, उस पर कोई नहीं है। अब चुनाव केवल हिंदू मुस्लिम को कर दो, मस्जिद में क्या हो रहा है ये कर देंगे। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए सरकार को बदलना अति रोड स्थित हरियाणा कांग्रेस प्रभारी और कोल सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विवेक बंसल पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विवेक बंसल ने जानबूझकर खैर और इगलास आदि विधानसभा में टिकट रुकवाने का काम किया है और बाद में 80 लाख रुपए लेकर उन टिकटों को बेच दिया, जिससे पूरे समय मनोवेग से काम करने वाले कार्यकर्ताओं में निराशा है। ये इसलिए फूका गया है कि हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमने अपने सारी उम्र इसमें लगा रहे हैं, अपनी जवानी इसमें लगा रहे, झोंक रहे हैं, और ये जो सीटों को बंटवारे के तौर पर इन्होंने फेंक दिए सीटें। इन्होंने रातों रात प्रीति धनगर को लेके आए, जो कि रालोद से टिकट मांग रही थी, उसको यहाँ लेकर आए, और जो कार्यकर्ता 30 सालों से मेहनत कर रहा है, अपना खून पसीना इसमें दे रहा है, उन मुकेश धनगर जी और इसमें विवेक बंसल जी और इसमें तौकीर आलम, इन तीनों ने मिलकर 80 लाख रुपए लेकर रात और रात प्रीति धनगर को लेके आए और उनको टिकट दिलाकर और उनको आज फॉर्म इगलास से टिकट बढ़ा दी। और जबकि नितिन चौहान वाल्मीकि का नाम ऊपर से आ चुका था और उनको फोन भी आ चुका था कि आपकी टिकट हो चुकी है। अब हम एक भी विधानसभा पर जहाँ भी विवेक बंसल जी ये भूल जाएँ कि उनका कुछ होगा नहीं, जिस किसी भी गली मोहल्ले में वो जाएंगे, जहाँ भी वाल्मीकि समाज है, जूतों की माला लेकर उनका स्वागत होगा, और ये भूल जाए उन्हें कदम भी नहीं रखने देंगे एक भी वाल्मीकि मोहल्ले में। करते हैं हम कांग्रेस हाईकमान से कहना चाहते हैं कि नितिन चौहान वाल्मीकि को टिकट दी, जब उन्होंने आवेदन कराया हर तरह के कांग्रेस प्रत्याशियों को टिकट नहीं करे। आप कहते हो कि कांग्रेस को मजबूत करें, संगठन के लोग मजबूत करें, आपने कहाँ से हाईकमान पता नहीं कहाँ से लेकर उसको एक लाख किसी में भेज दिया। हमारा पुरजोर विरोध है और आगे भी विरोध रहेगा, और अगर नितिन चौहान वाल्मीकि को टिकट नहीं दी गई तो हमारा आगे भी विरोध होगा। और अलीगढ़ की 7 सीट से क्या हम अलीगढ़ का आह्वान करते हैं, अलीगढ़ की 7 सीट तो हारेंगे पूरे प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये इसलिए फूका गया है कि हम दिन। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां पर अहाय शाह विधानसभा सीट से कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हेमलता पटेल ने आज अहाय शाह विधानसभा के लदीगवा में महिलाओं के साथ सीधा संवाद कर मातृशक्ति को कांग्रेस की प्रतिज्ञाओं और प्रियंका गांधी के विचारों से अवगत कराया। कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए भी प्रेरित किया गया। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर पूरी दुनिया लगातार 2 सालों से कोरोना की मार झेल रही है और कोई इस महामारी में डटकर सामना कर रहा है तो वो है स्वास्थ्य कर्मचारी।
वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की तो तीसरी लहर शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों को हफ्ते में एक दिन का भी अवकाश नहीं मिल रहा है, जिससे मानसिक तनाव भी उनमें पड़ गया है। इसी को लेकर संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जी आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम योगेश उपाध्याय है, मैं संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का प्रदेश महामंत्री हूँ। अच्छा योगेश जी, हमें ये बताएं कि कोरोना की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन कैसा चल रहा है अभी? इस समय देखा जाए तो वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर है सरकार का, और टेस्टिंग भी हो रही है। इस जो पीक का थर्ड वेव का पीक है वो आने को है, और टेस्टिंग अपने जोर शोर पर, और वैक्सीनेशन तो आप सब लोग देख रहे हैं सरकार किस तरीके से करा रही है, बहुत तेजी से करा रही है। कर्मचारियों के ऊपर बहुत प्रेशर है कार्य का। अच्छा, ये बताएं कि जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लगे हैं या गांव में लगे हैं, क्या उनकी ड्यूटी रोस्टर तरीके से लगाई जा रही है या फिर उन्हें साप्ताहिक अवकाश एक दिया जा रहा है? नहीं, अभी कई जिलों से हमारे संज्ञान में आया है, एक बरेली मंडल का ही पत्र आया था कि कहीं पे भी अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा है। साप्ताहिक अवकाश पिछले 2 सालों से अगर कोरोना चल रहा है आप लोग देख रहे हैं, और जितने कर्मचारी हमारे हैं काम कर रहे हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं, उनको अगर साप्ताहिक अवकाश नहीं मिलेगा तो मानसिक रूप से उनको स्वस्थ रहना संभव नहीं है। भविष्य में उनको मानसिक बीमारी का सामना भी करना पड़ सकता है, फिजिकल रेस्ट नहीं मिलेगा तो लगातार काम करेंगे, संक्रमित भी होंगे लोग, इसलिए उनको दिया जाना चाहिए, मगर नहीं प्राप्त हो रहा है अवकाश। कुछ जिलों में दिया जा रहा है, मगर अधिकांश जिलों में ना रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाई जा रही, कुछ व्यक्ति विशेष को लाभ देने के चक्कर में, और कुछ अवकाश भी नहीं दिया जा रहा साप्ताहिक। कब से चल रहा है ऐसा कि छुट्टी नहीं मिल रही है? ये फर्स्ट वेव से ही ऐसा है, बीच में थोड़ा सा आराम हुआ, जब सेकंड वेव गया तो काम कम हुआ, उस हिसाब से लोगों को छोड़ा गया, लेकिन फिर से जब से हुआ तो लगातार काम कराना कोई दिक्कत नहीं है, काम किया जाता है, और जरूरत पड़े तो महीने 2 महीने की बात है तो आदमी लगातार भी काम करेगा, निरंतर 2 साल तक लगातार काम करना किसी के लिए संभव नहीं होता है। अच्छा, अभी ये बताएं कि किन किन जिम्मेदार जो आपके विभाग से जुड़े लोग हैं, किससे अपनी समस्याओं को अभी तक अवगत कराया गया है आप लोगों के द्वारा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्य रूप से जो हमारे मिशन निदेशक महोदया हैं, मेनली उन्हीं से मॉनिटर होता है, तो हम लोग उन्हीं को एक पत्र लिखे हैं एसोसिएशन की तरफ से कि एक उस संबंध में अवकाश और रोस्टर के संबंध में समस्त जिलों को निर्देशित किया जाए, जिससे कि रोस्टर के अनुसार ड्यूटी भी लगे और सबको साप्ताहिक अवकाश का लाभ मिले। अच्छा, उनके तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? अभी चूंकि कोविड का माहौल है तो फिजिकली मुलाकात तो ही नहीं, पत्र ही दिया गया है, पत्र पे अभी कुछ अपडेट मिल नहीं पाया है। और कुछ विशेष पैकेज का भी व्यवस्था किया गया विभाग के द्वारा, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं जो बिना छुट्टी के ही काम कर रहे हैं, क्या उन्हें कुछ विशेष पैकेज देने का प्रावधान किया गया है? एक अभी हाल ही में घोषणा हुई है, कुछ 10,000 रुपये एक मुफ्त राशि ANM को देने की बात की गई है, और उन्हीं ANMs को कहा गया था कि जो प्रतिदिन के हिसाब से कुछ राशि 200 कुछ रुपए की दी जाएगी, पर उसका भी लाभ नहीं मिला। 10,000 ANMs को दिया जा रहा, अन्य संवर्ग जो भी हैं, पैरामेडिकल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, फोर्थ क्लास हैं, जो भी लगे हुए हैं, या मैनेजमेंट कैडर्स हमारे हैं, पूरे मैनेजमेंट करते हैं पूरे NHM का है, उनको अभी तक इस प्रकार कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा, अन्य जिलों से आपके पास पत्र आ रहे हैं छुट्टी को लेकर? हाँ, बरेली मंडल से पूरा सामूहिक पत्र आया, और जिलों से भी आया हमारे पास कि समस्या हो रही है, उसको हम फॉरवर्ड भी करते हैं, सूचना भी देते हैं उस पे लगातार। क्या समस्याएं आती हैं अगर उन्हें 24 घंटा मतलब हर दिन ड्यूटी करना पड़ा बिना छुट्टी के? तो एक तो सबसे पहले आदमी फिजिकली कमजोर होता है, संक्रमित होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अवकाश का जो मूल उद्देश्य था कि आदमी अगर एक दिन रेस्ट करेगा तो उसे फिजिकली मेंटली और हर तरीके से वो एक स्वस्थ रहेगा, वही नहीं, सबसे ज़्यादा समस्या तो यह है कि संक्रमित होगा और फिर धीरे धीरे मानसिक रूप से प्रताड़ित होगा। और अभी हाल ही में इन्हीं क्रम में हुआ है कि कई जिलों में कुछ ANMs के एक्सीडेंट भी हुए, उनकी डेथ भी हो गई है, और उसका कोई किसी कोई मतलब संज्ञान में कोई शासन ने नहीं लिया, ना सरकार ने लिया। वहीं फतेहपुर में विधानसभा चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे और पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए बूथों में सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद भारी पुलिस बल व अर्धसैनिक बल के साथ एरिया डोमिनेशन किया गया। वहीं मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज बनने से विकास की नई रोशनी लोगों को देखने को मिली है। पर मेडिकल कॉलेज में मंडलीय और महिला अस्पताल के 200 से अधिक डॉक्टर, नर्स व अन्य मेडिकल कर्मचारियों को मर्ज किए जाने के बाद उनका वेतन पिछले 4 महीनों से नहीं मिला है,
जिसके कारण उनके परिवार के सामने अब भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिला मुख्यालय पर दर्जनों की संख्या में जुटे डॉक्टर, नर्स व मेडिकल कर्मचारियों ने जिला अधिकारी से अपनी गुहार लगाई। डॉक्टर का कहना है कि जरूरी खर्चों के लिए जमा पूंजी भी समाप्त हो गई है, बहुत कर्मचारियों को घर खर्च के लिए दूसरों से भी उधार लेना पड़ रहा है। पिछले 4 महीने से हमारे हॉस्पिटल के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली है। जब से हम लोग मेडिकल कॉलेज में मर्ज कर दिए गए हैं तब से सैलरी की अनियमितता शुरू हो गई है और अभी ये 4th महीना चल रहा है, पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और इसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयों के, बहुत सारे अधिकारियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनके जो स्टोर्स, जो पैसे आपातकाल के समय के लिए रखे गए थे, सभी लोगों के पैसे धीरे धीरे खर्च हो रहे हैं, ख़त्म होने वाले हैं। कई लोगों को कर्ज लेकर के अपना घर परिवार का पोषण, घर भरण पोषण करना पड़ रहा है और बच्चों की फीस से लेकर के मकान के किराए से लेकर के, जबकि सबकी एक रूटीन, एक नीड होती है महीने की जो कि फिक्स होती है, उससे उसको तो कंपलसरी है, करना ही करना है, बाकी चीज़ों में कटौती। उत्तर प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, पर क्या कभी आपने सुना है कि यूपी में वैक्सीन न लगवाने पर किसी गांव को पूरी तरह से सीज किया गया हो। दरअसल ऐसा ही मामला सामने आया है सहारनपुर के चकवाली से, जहां पर गांव में रहने वाले 450 लोगों ने वैक्सीन का एक भी टीका नहीं लगवाया है, जिसके चलते रामपुर मनिहारन थाना इलाके के चकवाली गाँव को प्रशासन ने सीज कर दिया है। गांव के मुख्य मार्ग पर बैरिगेडिंग करके पुलिस वहां पर तैनात कर दी गई है। जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई है उनके गांव के बाहर निकलने पर फिलहाल रोक है। वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखकर ही ग्रामीणों को गांव से बाहर निकलने दिया जा रहा है और गांव से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर ही लोग बाहर जा सकेंगे। जो यहाँ के नागरिक है उनसे अपील कर रहे हैं कि वो लोग इस कोरोना वैक्सीनेशन का जो है अधिकाधिक लाभ लें। इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो बिना किसी समुचित कारण के जो है कोरोना वैक्सीनेशन से परहेज कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग अभी तो जो है फिलहाल उनको समझाने का काम कर रहे हैं। समझाने के साथ साथ हम लोग उन पर कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इसी रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस के तहत लोगों से अपील है कि यदि वो अपना कोरोना का सेकेंड डोज नहीं लिया है, जिनको ड्यू हुआ है या जिनको ड्यू है उन्होंने अभी अपना फर्स्ट डोज नहीं लगवाया है, तो वो जो सार्वजनिक स्थल हैं, जो ऑफिसेज हैं, वहाँ पर कृपया करके विजिट ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर वो ऐसा करते हैं तो दूसरे लोगों के संक्रमण को बढ़ाने में जो है वो एक भूमिका निभाते हैं। तो केवल इसी के तहत लोगों से अपील है कि अगर वो जो है अपना उनकी दूसरी डोज ड्यू है, तो अगर कोई समुचित कारण नहीं है, अगर कोई मेडिकली अनफिट है लगवाने के लिए तो दूसरी बात है, अदरवाइज वो लोग इसका लाभ लें, अपना टीका लगवाएं और दूसरे लोगों को भी। खबर कन्नौज से है, जहां पर निर्माणाधीन मकान के अंदर से छात्र का लहूलुहान हालत में शव बरामद हुआ है, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बता दें कि 2 दिन पहले गायब छात्र के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद SP घटनास्थल पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली गई। वही SP प्रशांत वर्मा ने बताया कि लापता युवक का शव बरामद कर लिया गया है। हत्या के कारणों की पुलिस गहनता से जांच कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टता में प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। एक युवक के गुमशुदा होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने जब कार्रवाई की तो तथ्य प्रकाश में आया कि उस युवक की एक निर्माणाधीन भवन में हत्या कर दी गई है। हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों एक ही जाति के हैं। प्रथम दृष्टया यह मामला सामने आया है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस युवक की हत्या की गई। बाकी हमारी विवेचना जारी है, अन्य साक्ष्यों के आने पर आगे की कार्रवाई की जाए। नितिन की हत्या का कारण प्रेम संबंध बताया जा रहा है। इस हत्याकांड में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि इस हत्याकांड में जो भी लोग शामिल हैं उनको जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। सवाल ये भी है कि नितिन की हत्या किसने की और क्यों की और इसकी वजह क्या है। अपने सहयोगी अवधेश राठौर के साथ राम ऋषि पांडे, प्राइम टीवी। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि पुलिस चौराहे पर चेकिंग कर रही थी कि तभी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 चादर चोरों को शिकोहाबाद पुलिस ने देर रात
गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। वहीं अभियुक्तों के पास से बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। हमने तीन अपराधी पकड़े हैं जो जिन्होंने जिसके घटना को किया था तो वो थे, और जिसने सामान को खरीदा था उसको भी हमने गिरफ्तार किया, मोनू यादव नाम के शख्स को। उसने इस चीज़ को ये माना है कि हमने इस चोरी का सामान था उसको खरीदा था। और कितने लोग फरार हैं इनके साथ? इसमें करीबन 5 लोग फरार हैं। रायबरेली पुलिस ने बीते 11 जनवरी को मिल एरिया थाना इलाके में बैंक अधिकारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या का कारण आरोपी नगीना सिंह के द्वारा जमीन दिलाने के नाम पर पैसे हड़पना बताया जा रहा है। नगीना सिंह ने बैंक अधिकारी जयप्रकाश पाल को लखनऊ में प्लांट दिलाने के नाम पर मोटी रकम ली थी। प्लांट न दिलाने के चलते जयप्रकाश पाल अपने पैसे वापस मांग रहा था। नगीना ने पैसे देने से मना कर दिया और पैसे वापस न करने पड़े इसलिए भाड़े के शूटरों से उसकी हत्या करवा दी। पुलिस के मुताबिक सीओ सदर के नेतृत्व में बनाई गई पुलिस की 8 टीमों ने इस पर कार्य करना शुरू किया था। आसपास के लगभग 150 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस हत्यारों तक पहुंच गई। मलेरिया क्षेत्र में एक जयप्रकाश पाल नाम के व्यक्ति जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्य करते हैं उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए सीओ सिटी के निर्देशन में एसओजी थाना मिल एरिया, थाना डी व थाना भदोकर की टीमें लगाई गई थीं इस घटना के अनावरण के लिए, जिसके क्रम में आज उन दो शूटर्स को जिन्होंने ये घटना कार्य। अगली खबर रायबरेली से है जहां पर मिल एरिया थाना क्षेत्र के रतापुर चौराहे पर तेज रफ्तार डीसीएम ने साइकिल सवार को कुचल दिया जिससे साइकिल सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चौराहों पर घंटे पर जाम लगाया, साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक्सीडेंट हुआ, किसका हुआ, कौन है? हमारे बड़े भाई के लड़का। कहां जा रहे थे? रतापुर जाते थे। काहे से हुआ एक्सीडेंट हुआ है? साइकिल से थे और ट्रक रहा डीसीएम। क्या नाम है उनका? रजिंदर। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद शासन सुनवाई नहीं कर रहा था। फिर क्या किया आप लोगों ने? अभी तो यही खड़े हैं रोड पर। यहाँ रतापुर चौराहे के पास में एक लड़का है राजेश जो अपनी साइकिल से जा रहा था, दूसरी दिशा से मेटाडोर आ रही थी जिससे एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों में कुछ आक्रोश था, शांत करा दिया गया है, तहरीर दे दी गई है, उस पर आगे कार्रवाई की जाए। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।